ऑब्वियसली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ये मेरे लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है जब से मैं इंडिया आई हूँ. एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि शाहरुख ने मुझे आस्क किया कि मैं इस फिल्म का गाना करूँ या नहीं. आई मीन इट वॉज़न्ट इवन अ क्वेश्चन वेदर आई वुड से यस और नो, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. एंड मुझे पता कि ये सॉन्ग ऑलरेडी लोगों को पसंद है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है ऑलरेडी. सो अभी ये मेरा मैं नर्वस हूँ दैट वो जो विजुअल्स हमने क्रिएट किया लोगों को वो पसंद आए. सो अगर दोनों को पसंद आए देन वर यू नो वर गुड. एंड ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू रीच दोज यू नो दोज एक्सपेक्टेशंस जो एटलीस्ट इन माई माइंड जब एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस और शाहरुख आप you know gives you a song like this that I meet those expectations. And what's your first reaction? Aapka pehla reaction kya tha when you see ki mujhe Shahrukh Khan ki film mein gana karna hai? What's your first reaction? Wo sahi number call kiya tha mujhe call wo mere you know like they were talking about me. So main thoda sa disbelief mein thi kyunki mujhe yakeen nahi aa raha tha ki वो मुझे कॉल कर रहे थे. एंड इन ऑल सीरियसनेस मेरे एक्सपेक्टेशंस इन लाइफ और जस्ट इन जनरल दे आर नॉट वेरी हाई. मुझे सिर्फ ये करना कि मैं काम कर रही हूँ, हर रोज़ काम कर रही हूँ. बट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस वाज यू नो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. मैं इट्स समथिंग दैट ड्रीम्स आर मेड ऑफ यू नो. इस साल ऐसा था, अप्स एंड डाउन्स. बहुत अच्छी चीज़ें हुए इस साल में एंड नॉट सो अच्छी चीज़ें भी. बट आई थिंक दैट्स लाइफ. लाइफ जर्नी ऐसा होता है कि अप्स एंड डाउन्स होते हैं. एंड यस ऑफ कोर्स इस साल बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि फाइनली मेरे भाई का शादी हो गया. जब से मैं इंडिया आई हूँ मैं हमेशा से गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ और हमारे पेरेंट्स नहीं हैं. एंड आई वुड ऑलवेज फील बैड कि मैं उनको इमोशनली या मैं वहाँ नहीं हूँ. सो दैट गिल्ट वाज ऑलवेज देयर. बट देन व्हेन ही मेट हिज नाउ वाइफ लास्ट ईयर दिवाली टाइम इट वाज नाइस टू नो दैट ही has found somebody. So I hope that they always stay happy. Or shaadi bahut achhi tarah hua tha. It's a very small wedding. I'm so happy that wo America mein hua kyunki I love everybody, but mujhe big fat Indian wedding nahi chahiye tha kyunki mujhe dance karna tha, mujhe masti karna tha, mujhe jo bhi main karna chahti thi mujhe wo karna tha. ये जो आई हैव टू सिट प्रॉपर, हैव टू से हेलो, हैव टू डू दिस, वो सब चीज़ें नहीं थी. देर वॉज ऑब्वियसली ऑल द राइट जो भी मैं कर सकती थी भाई के लिए एंड ऑल्सो फॉर माई सिस्टर इन लॉ. वी ट्राइड आवर हार्डेस्ट टू डू टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी. मैंने मिसेस खान को दिवाली टाइम में उनको मीट किया था एंड आई आस्क शाहरुख एंड हर गाना कैसा लग रहा है. एंड ही सेड इट लुक्स अमेजिंग एंड देन शी ऑल्सो सेड इट्स लुकिंग ग्रेट, इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल. सो वो मेरे लिए एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि व्हेन अ वुमन सेज समथिंग लाइक दिस यू टेक इट इन अ डिफरेंट वे. Because she's also seeing it from the outside, so my both khushi that she said something so nice. And you
like Raees trailer is out and everything. What's your take in trailer? Of course मुझे अच्छा लगा. Yeah, of course, मुझे बहुत अच्छा लगा. I'm looking forward to watching this film. I know that जब मैं डैनियल के साथ बात कर रही थी इस ट्रेलर के बारे में, even he said the amount of people and the buzz and the interest level for this film is very high. And वो भी हिंदी समझते नहीं है, लेकिन उनको भी अच्छा लगा. So that's a good thing. वेल ये गाना मेरे लिए ऑब्वियसली सब ये मान सकते कि मेरे लिए सबसे बड़ा गाना है अप अंटिल दिस पॉइंट. सो आई सी इट एज द गोल्डन टिकट टू डिज्नीलैंड, द डोर इज़ द डिज्नीलैंड ओपन. सो आई वांटेड टू मेक श्योर दैट जो भी मैं कर सकती थी, जितना एनर्जी दे सकती थी, मैं इस गाने के लिए टू गिव as much as I could, because not only for the film, not only for Shah Rukh, not only for Excel or you know story ke liye, ye mere liye sabse important moment hai, and of course I wanted to give it my all. Okay, great. And how was experience with Shah Rukh Khan? Because Shah Rukh Khan is Bollywood superstar, you doing a lot of song, how was experience with Shah Rukh? Mera experience bahut amazing tha. I had him here on a pedestal, and जब मैंने उनके साथ काम किया and बातें की, he went above and beyond that. क्योंकि when you see someone on TV, जब आप TV पे देखते या movie theaters पे या interviews देखते, you have a certain level of like respect and also admiration, all these different things. But then जब आप अपने आप meet करते, it's a different level. You understand वो उस level पे क्यों है, because of his charisma, his professionalism, his dedication to his work. And what do you think, Shah Khan is good dancer and good romantic hero? What do you think? Because lots of media, you saw the TDF, the Devdas. What do you think? Good dancer and good romantic hero. I think सबको मालूम है that जो भी Shah Rukh Khan करता है, वो सबसे बेस्ट होता है. इन लाइफ देयर्स यू नो फ्यू पीपल दैट आर जस्ट देयर गुड एट इट ऑल. देयर गुड एट बीइंग चार्मिंग, देयर गुड एट डांसिंग, देयर गुड एट एक्टिंग, सब कुछ. सो वी ऑल नो व्हाट लेवल ही इज एट. इन फ्यूचर में आप शाहरुख खान के साथ कोई रोमांटिक फिल्में देखेंगे? बिकॉज़ हम अभी हमने गाना देखा, हर किसी को पसंद आया. रोमांटिक कोई फिल्म हम देखेंगे? वुड यू एक्ट विद शाहरुख खान विद रोमांटिक फिल्म? अगर Of course, अगर मुझे एक opportunity मिलता है, of any actor, any actress, anybody would love that opportunity. Right now, मैं ये सबसे बड़ी बात मेरे लिए that I get to be in a song with him. So if it all ended, अगर आज सब कुछ end होता है, then मैं खुश हूँ. So I'm happy with this moment. Christmas mein kaam kar rahi hu. I'll be working in flying from Mauritius to Bangkok to work, and New Year's ke liye bhi kaam kar rahi hu. I'll be performing in Calcutta. Okay. Yes. Okay. And finally, what did you say about your song and your film is coming on next? What do you say about it? I'm so excited. ये गाना already hit है, लोगों को बहुत पसंद है. I hope that सभी लोग ये गाना के visuals भी अच्छा लगे and make sure that you keep watching it on YouTube and buy the tickets to Raees. It's coming out in January and I will see you at the movie theater. Thank you so much and wish you all the best. Thank you. Thank you. Thank you.